कालसी स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय के शिक्षक पिछले 39 दिनों से अपनी मांगों को लेकर स्कूल गेट पर धरना दे रहे हैं। बता दें कि दरअसल आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के लिए बने राज्य के इस पहले आवासीय विद्यालय की शुरुआत 2010 में हुई थी। वहीं शुरू से ही संविदा पर कार्यरत ये 16 योग्य शिक्षक अपनी मेहनत के बल पर विद्यालय का संचालन करते आ रहे हैं, जिसके चलते यहां शिक्षकों के पद हमेशा रिक्त दिखाए जाते हैं। लेकिन इन संविदा शिक्षकों को नियमितीकरण का आश्वासन देकर विद्यालय में नए शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई। वहीं जिसके चलते शिक्षक अपनी मांगों को लेकर काफी समय से स्कूल गेट पर धरना दे रहे हैं। वहीं विभिन्न संगठनों के साथ साथ अब विद्यालय में पढ़ने वाले 350 से अधिक बच्चों ने भी इन शिक्षकों को समर्थन देने का निर्णय लिया है, जिसके लिए एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी की जा रही है। वहीं कालसी में 27 संगठन और विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों ने 18 जुलाई को कालसी में सड़क जाम करने का निर्णय लिया है। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। देखिए, आप देख रहे हैं किस तरीके से एक व्यक्ति द्वारा, एक महिषासुर, प्रदेश का महिषासुर संजय तोलिया, आज ये स्थिति जौनसार बावर के प्रत्येक जनमानुष के साथ ये कर दी है कि आज स्थिति देखिए आप, जितने विद्यार्थी हैं वो भी सड़कों पर हैं, जितने टीचर्स हैं वो भी सड़कों पर हैं, अभिभावक सड़कों पर हैं, आम नेता सड़कों पर है, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, स्कूल में स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर छह मांगे हम लोगों ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है कि हमारी छह मांगों को पूर्ण किया जाए। निश्चित तौर पर विद्यालय के साथ अनदेखी हो रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से शासन प्रशासन के लोग अंदर विद्यालय के अंदर हैं और बाकी सब लोग सड़क पर उतरे हैं। एक आह्वान किया गया है जौनसार बावर के हित में जो हमारे बच्चे हैं उनके विकास के हित में, उनकी पढ़ाई के हित में, कि ये जो हमारी जो मांगे हैं इनको पूर्ण किया जाए। निश्चित तौर पर जिन टीचरों ने यहाँ पर 15-15, 12-12 साल अपनी सेवाएं दी हैं, आज उनको सड़कों पर ला दिया है, ऐसा क्यों? ये सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर 18 तारीख को एक चक्का जाम जो है यमुनापुर हरिपुर में रखा गया है, जिसमें भिन्न भिन्न संगठनों ने हमको सहयोग भी करा है। और जो हमारे दुर्भाग्य देखिए इस विद्यालय के 380 बच्चे जो हैं वो सड़कों पर उतरेंगे, ये बड़ा दुर्भाग्य है। अब क्लासेस सड़कों पर ही चलेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारा सहयोग करें और जो ये मांगे हैं, जो जनहित की मांगे हैं, जो विद्यार्थियों की मांगे हैं, जो अभिभावक की मांगे हैं, ये मांगे पूर्ण हो सके। मुझे हम लोग कतई ये नहीं चाहते थे कि इस तरीके से कुछ ऐसा किया जाए जिसे कोई सामूहिक कार्य को अवरोध उत्पन्न किया जाए, लेकिन अब हम मजबूर है। अब अभिभावक समाज और मेरे तमाम सारे संगठन, जितने भी जौनसार बावर के संगठन या अन्य जो भी साथी जो सहयोग है, वो कतई नहीं चाहते थे हम लोग इस तरीके से अवरोध उत्पन्न करें। लेकिन जब सरकार या समिति के कान में अगर जू नहीं रहेगी तो फिर हम लोग बाध्य हो जाएंगे और हम लोग मजबूरन हो जाएंगे, हम लोग हरिपुर चक्का जाम करेंगे।